वेलकम। तो आज हम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट है, ये हम क्यों बनाते हैं? ये हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम ये देखें कि जो हमारा पासबुक है और जो कैशबुक जो है, जो कि एक बिजनेस एंटिटी लाइक प्रिपेयर करता है, मेंटेन करता है, और जो पासबुक होता है वो बैंक मेंटेन करता है, तो इन दोनों के बीच में कभी कभी डिस्क्रिपेंसीज आती है। ठीक है, लाइक कैशबुक का अमाउंट ज़्यादा होता है और पासबुक कम दिखाता है, कभी पासबुक ज़्यादा दिखाता है और कैशबुक कम दिखाता है। तो ये जो मिसमैच है इन द बैलेंसेज बिटवीन कैशबुक एंड पासबुक, ठीक है, इन दोनों को चेक करने के लिए हम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं। और इन दोनों के बीच में जो ये डिस्क्रिपेंसीज होती है इन द बैलेंसेज, इसके बहुत सारे रीजन्स है, ठीक है, वो हम प्रॉब्लम के थ्रू ही अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इन दोनों के बीच में जो भी मिसमैच है इसके क्या क्या रीजन्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो अभी डिस्प्ले में ये जो प्रॉब्लम है स्लाइड में, हम देख सकते हैं कि इट इज़ शोइंग अस दैट कैश बुक शोज़ अ बैलेंस ऑफ ₹15,500। तो ऑन कंपेयरिंग विद द पासबुक फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज वेयर नोटेड। तो यहाँ पर क्या है, कैश बुक बैलेंस दिया गया है 15,500, ठीक है। उसके बाद जब इसको कंपेयर किया गया था किस के साथ, पासबुक के साथ, तो उसमें से कुछ डिस्क्रिपेंसीज पाई गई थी जो यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। तो अगर हम कैश बुक बैलेंस से स्टार्ट करेंगे तो वी आर गोइंग टू एंड विथ द बैलेंस एज पर पासबुक। तो अगर हम पासबुक बैलेंस से स्टार्ट करेंगे तो वी आर गोइंग टू अराइव एट द बैलेंस एज पर कैशबुक। तो यहाँ पर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द बैलेंस एज पर कैशबुक एंड हेंस वी आर गोइंग टू अराइव एट द बैलेंस एज पर पासबुक। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, फर्स्ट जो हमारे पास एंट्री है, ये एंट्री में क्या बता रहा है, चेक इश्यूर बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अमाउंट कितना है, अमाउंट 7,000 है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, चेक इशू हुआ है, ठीक है, क्या हुआ है, बिजनेस एंटिटी ने चेक किसी सप्लायर को दिया है, राइट। तो यहाँ पर जैसे ही जो अकाउंटेंट होता है बिजनेस एंटिटी का, वो क्या करेगा, जैसे ही उसने चेक इशू किया है, चेक इशू करने के साथ ही वो क्या करेगा, He is going to deduct the amount in the cash balance or the cash book. तो cash book में वो क्या करेगा, immediately वो क्या करेगा, वो उसको minus करेगा, right? लेकिन क्या हुआ है, ये जो check उसने issue किया है supplier को, उसने अभी तक उस check को bank में present नहीं किया है। जब तक वो bank में उसको deposit नहीं करेगा और जब तक वो clear नहीं हो जाएगा, तब तक क्या होगा, जो पासबुक बैलेंस है वो कम दिखाएगा, कितना, 7,000, और जो चेक, जो कैशबुक बैलेंस है वो क्या दिखाएगा, ज़्यादा। तो हमने जैसे ही चेक इशू किया तो हमने रिड्यूस किया है, ठीक है, लेकिन पासबुक में अभी भी ज़्यादा बैलेंस दिखाएगा, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमने कैशबुक बैलेंस से स्टार्ट किया है, ठीक है, हम पासबुक बैलेंस चेंज नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने ये रिड्यूस किया था बैलेंस कहाँ पे, कैश बुक में, तो हम क्या करेंगे, हम इसको ऐड करेंगे, वापस कर लाएंगे, ठीक है, वी आर गोइंग टू ऐड 7,000 रुपीज़, ठीक है। सो दिस वी आर गोइंग टू ऐड हियर, फाइन। देन वी हैव सेकंड वन, दैट इज चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट कलेक्टेड। तो कभी कभी क्या होता है, हमारे जो कस्टमर्स होते हैं, अगर हमने क्रेडिट सेल्स किया है तो वो हमें क्या करते हैं, दे हैव टू पे अस ऑन सम लेटर डेट। तो हमारे कस्टमर ने क्या किया है, हमने जो चेक रिसीव किया है, राइट, हमने क्या किया है, चेक रिसीव किया है, तो जैसे ही हम रिसीव किए हैं तो हम क्या करेंगे, उसको हम उसको कैश बैलेंस में क्या करेंगे, हम उतना अमाउंट इंक्रीज करेंगे। तो 8,000 जैसे ही हमारे पास आया है तो हमने क्या किया है, हमने उस बैलेंस को इंक्रीज किया है, क्योंकि 8,000 मिल गए हमें। लेकिन जो चेक है, चेक हमें कहाँ पे
डिपॉजिट करना है बैंक में, लेकिन बैंक में अभी तक वो कलेक्ट नहीं हुआ है, क्लियर नहीं हुई है जो चेक है हमारी। अगर वो नहीं हुई है, हमने क्या किया है, हमने अपना बैलेंस बढ़ाया है, लेकिन जो बैंक है बैंक उसको तब तक नहीं बढ़ाएगा कि इसमें पासबुक बैलेंस में जब तक वो चेक क्लियर नहीं होगी। इसको तकरीबन से फॉर एग्जाम्पल 24 आवर, एक दिन लगेगा 24 आवर्स, या दो दिन लगेंगे 48 आवर्स क्लियर होने में, या तीन दिन लगेंगे, तो तब तक जो हमारा पासबुक बैलेंस है वो ये अमाउंट रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, कितना, 8,000। तो इसीलिए हमने क्या किया था, हमने बढ़ाया था 8,000, लेकिन जो पासबुक बैलेंस है वो भी कम है, तो हम पासबुक बैलेंस में चेंज नहीं कर सकते। हम कहाँ चेंज कर सकते हैं, कैशबुक बैलेंस में। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, उसको रिड्यूस करेंगे, उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, किसको, इस अमाउंट को, दैट इज़ 8,000 रुपीज़। फाइन, सो दिस इज द सेकंड डिस्क्रिपेंसी हियर। देन वी हैव बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। तो यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी हम बैंक को कुछ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस देते हैं, लाइक के इस डेट को आपको फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना है, हमारे कुछ बिल्स होते हैं इस डेट को ये पे कर लो, या कुछ टैक्सेस होते हैं, ऑन सर्टेन डेज वी गिव सम स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस टू द बैंक टू पे दोज एक्सपेंसेस और टू पे दोज बिल्स, राइट। तो यहाँ पर क्या है, वो कितना अमाउंट है, 6,000। तो जैसे ही बैंक ने ये पे किया है, क्या पे किया है यहाँ पे, इंश्योरेंस प्रीमियम, तो बैंक क्या करेगा, बैंक जो है वो अपने पासबुक बैलेंस में 6,000 कम करेगा, राइट। बैंक इज गोइंग टू रिड्यूस 6,000 रुपीज़, दे आर गोइंग टू डेबिट 6,000 रुपीज़ फ्रॉम द अकाउंट। तो वो क्या हो जाएगा, जो हमारा पासबुक बैलेंस वो कम दिखाएगा, लेकिन जो हमारा कैशबुक बैलेंस है उसमें तो कम नहीं हुआ अभी तक। क्यों कम नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक हमारे अकाउंटेंट को बैंक स्टेटमेंट नहीं मिला है। तो इसको कब पता चलेगा, माइट बी ही इज़ नॉट अवेयर ऑफ दिस, कि ऑन दिस डेट बैंक हैज़ टू पे ऑल दिस लाइक एक्सपेंसेस, फॉर एग्जांपल टैक्सेस, बिल्स एंड ऑल, ही इज़ नॉट अवेयर ऑफ दैट। सो ही विल गेट टू नो दैट ओनली व्हेन द अकाउंटेंट रिसीव्स द बैंक स्टेटमेंट फ्रॉम द बैंक, राइट। सो यहाँ पर हमने क्या किया है, बैंक में रिड्यूस किया है, राइट। अगर हमने बैंक में रिड्यूस किया है तो हमें भी क्या करना है, यहाँ पर अब कैशबुक बैलेंस में हमें वो कैशबुक बैलेंस में क्या करना है, we are going to reduce that, right? वो हम कब करेंगे, जैसे हमें क्या मिलेगा, जैसे ही हमें बैंक का स्टेटमेंट मिलेगा, right? And now we have the next one here, that is bank charges. तो कभी कभी क्या करता है, जो बैंक है, बैंक हमें कुछ like अमाउंट चार्ज करता है, लाइक ईयरली मेंटेनेंस जो होता है, या एटीएम चार्जेस जो होते हैं, या ओडी के ऊपर हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है, या जो चेक बाउंस होते हैं उसके ऊपर चार्जेस लग जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो बैंक है, बैंक विल डायरेक्टली डेबिट दिस अमाउंट बैंक अकाउंट से, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, जो 400 हमें डिडक्ट हुए कहाँ से, लाइक डेबिट हुआ है पासबुक में, ये क्या है, कम दिखाएगा, क्योंकि बैंक ने डायरेक्टली क्या किया है, ये चार्जेस लगाए हैं। तो क्या होगा पासबुक बैलेंस में, वो कम होगा, लेकिन जो हमारा कैशबुक बैलेंस है, कैशबुक बैलेंस अभी भी ज़्यादा होगा, क्योंकि जो हमारा अकाउंटेंट है उसको अभी तक पता ही नहीं चला है कि इतना अमाउंट क्या हुआ है, डेबिट हुआ है कहाँ पे, जो हमारा बैंक अकाउंट है उसमें इतना क्या हुआ है, डेबिट हुआ है। तो वो क्या करेगा, अभी तो हम पासबुक बैलेंस को चेंज नहीं कर सकते, हम किसको चेंज कर सकते हैं, वी आर गोइंग टू चेंज द कैशबुक बैलेंस। तो हम इसको क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू डिडक्ट दिस अमाउंट, राइट, माइनस। देन वी हैव डायरेक्ट डिपॉजिट बाय अ कस्टमर। तो कस्टमर ने क्या किया है, यहाँ पर डायरेक्टली डिपॉजिट किया है किस में, बैंक अकाउंट में, रुपीज़ हाउ मच, 7,000 रुपीज़। तो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट किया है बैंक में, तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, राइट। जब बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो हमें कब पता चलेगा इसके बारे में, हमें तभी पता चलेगा जब बैंक हमें क्या देगा, जब हमें बैंक स्टेटमेंट देगा। तो अगर हमारा यहाँ पे बढ़ा है पासबुक बैलेंस में, तो कैशबुक बैलेंस में भी हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू इनक्रीज इट, क्या करेंगे, हम इसको बढ़ाएंगे, प्लस करेंगे, राइट।
देन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक। तो कभी कभी क्या होता है, जो बैंक होता है, बैंक विल कलेक्ट आवर लाइक इंटरेस्ट डिविडेंड एंड ऑल। तो जैसे ही बैंक ने इसको कलेक्ट किया है, उसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट में ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो ये क्या दिखाएगा, जो बैंक बैलेंस है, बैंक विल शो मोर बैलेंस, कितना, 1000 रुपीज़। लेकिन जो अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट कब रिकॉर्ड करेगा ये कैशबुक में, वो इसको तभी रिकॉर्ड करेगा जब जब उसको क्या मिलेगा, बैंक स्टेटमेंट मिलेगा। तो हमें क्या करना है, हमें इसको क्या करना है, हमें भी इसको प्लस करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे, राइट। सो आई होप यू गॉट ऑल दिस, लाइक विच एंट्री वी हैव टू ऐड एंड विच वी हैव टू सब्सट्रैक्ट। सो लेट अस नाउ पुट इट इन अ राइट फॉर्मेट एंड प्रिपेयर द बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। तो लेट्स स्टार्ट दिस। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, वी आर गोइंग टू राइट डाउन बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st March 2020, राइट। तो एज पर द प्रॉब्लम क्या है दिया है, कैश बैलेंस एज पर, कैश बैलेंस एज पर कैश बुक और बैलेंस एज पर कैश बुक, कैन राइट डाउन हियर, दैट्स बेटर, बैलेंस एज पर, बैलेंस एज पर कैश बुक। तो कितना दिया हमें इसमें, इट इज़ गिवन 15,500 रुपीज़, राइट, 15,500 रुपीज़। तो हम उसको कहाँ लेंगे, आउटर कॉलम में लेंगे, राइट। तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ऐड। तो कौन कौन सा हमें ट्रांजेक्शन ऐड करना है, जैसे कि हमने प्रॉब्लम में देखा है कि चेक फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो है, दैट इज़ चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो हम इसको कहाँ लिखेंगे, इनर कॉलम में। तो अमाउंट कितना है ये, उसके बाद जो नेक्स्ट वन है, दैट इज़ द डायरेक्ट व्हाट डिपॉजिट बाय अ कस्टमर, ये भी क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा। और जो अमाउंट है, अमाउंट कितना है, अमाउंट इज 7000, तो वी विल राइट डाउन 7000 हियर, राइट। देन वी आर गोइंग टू लुक फॉर द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट कौन कौन सा हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, लेट्स सी दैट। द नेक्स्ट वन दैट वी हैव टू ऐड हियर इज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक, राइट। ये भी हमें क्या होगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा, राइट। तो अगर हम देखेंगे ये अमाउंट कितना है, अमाउंट इज़ हाउ मच, इट इज़ 1000 रुपीज़, राइट। तो इसको हम ऐड करेंगे, अब ये तीन ट्रांजेक्शन जो भी है, इनको हम क्या करेंगे, ऐड। 7000 प्लस 7000 इज 14000 प्लस 1000 इज हाउ मच, इट इज़ 15000, राइट। कितना आएगा ये, 15000 रुपीज़, राइट। तो ये टोटल कितना आया है अभी हमारे इन दोनों का, द टोटल इज़ 15500 प्लस 15000, दैट इज़ 30,500। तो 30,500 हम यहाँ पर लिख सकते हैं, राइट, 30,500, फाइन, यस। तो बाकी जो ट्रांजेक्शन्स है, तो हम उसको क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो लेस कौन कौन सा करेंगे हम यहाँ पे, विल राइट डाउन हियर लेस। तो जो हम प्रॉब्लम में देख सकते, द फर्स्ट वन दैट वी कैन डिडक्ट इज चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट येट collected and the amount is how much, we'll take it to the inner column and the amount is 8000 rupees, this is the first one that we have to deduct. Then the next one is here, the next one that we have to deduct is bank paid insurance premium of how much, they have paid an insurance premium of 6000 rupees, which is again given in the problem. Then the next one that we have to less is the bank charges. So bank charges jo hai hamare paas, bank charges kitna hai, bank charges total mein 400 रुपीज़ है, राइट। तो अगर हम इन सब का ऐड करेंगे, 8000 प्लस 6000 इज 14000, 14000 प्लस 4 इज 400 इज 14400, सो वी आर गोइंग टू टेक दिस टू द आउटर कॉलम, दैट इज 14400 रुपीज़, फाइन। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको डिडक्ट करेंगे, क्या डिडक्ट करेंगे, 30050 माइनस 14400। तो जब हम 30500 में से 14400 डिडक्ट करेंगे, the amount that we are going to get is 16,100, right? ये जो 16,100 है, this is the balance as per passbook, balance as per passbook, right? Yes, so I hope you understood how to prepare the bank reconciliation statement in case if you are given the cash book balance and you have to arrive at the
पासबुक बैलेंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।